बेलीपार थाना क्षेत्र स्थित महीप नारायण शाही इंटर कॉलेज में 16 अक्टूबर को जमकर मारपीट हुई थी। सैकड़ों छात्र छात्राओं के बीच प्रधानाचार्य को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया था। इसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में प्रधानाचार्य नारा लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद ही स्थितियां बदलती हैं और दो लोग उन्हें दौड़ाकर पीटते हैं। एक व्यक्ति टी शर्ट में था, एक लाल शर्ट में डंडा लिए हुए प्रधानाचार्य पर हमला कर रहा था। विद्यालय के छात्र छात्राएं लगातार बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। विद्यालय के प्रबंधक बबलू शाही का कहना है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य बच्चों को उकसाकर अराजकता पर उतारू थे। वह शिक्षकों के खिलाफ सोंग नारा लगा रहे थे। शिक्षकों और उनके बीच विवाद की जानकारी होने पर वह समझौता कराने विद्यालय गए, लेकिन उनके सामने भी यही स्थिति जारी रही। इसके बाद उनके अन्य शिक्षक और प्रधानाचार्य के बीच मारपीट हो गई। शाही का कहना है कि प्रधानाचार्य ही विद्यालय में हर वित्तीय मामले के लिए उत्तरदायी है। मेरे ऊपर FIR हुई, मैंने जमानत करा ली, जबकि वीडियो में इसके दावे के उलट दो लोग प्रधानाचार्य पर हमला करते हुए प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया 16 अक्टूबर को शैक्षणिक कार्यों का निरीक्षण करने विद्यालय पहुंचे थे। करीब 15 मिनट वह विद्यालय में रहे और बच्चों ने उनसे कई शिकायत की, जिनमें अधिक फीस वसूली व मिड डे मील से जुड़ी शिकायतें थी। बाद में कुछ शिक्षकों ने प्रधानाचार्य पर DIOS को बुलाने का आरोप लगाते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जांच में वायरल वीडियो को भी संज्ञान में लिया जाएगा। इस मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। गार्डन होता है। उसके बाद किसी ने उनको फोन किया होगा बबलू शाही को, वो आए हैं बिना पूछे हमको पकड़ के। उन्होंने कहा कि आपने क्या बुलवाया, हमने कहा क्या तो हमने नहीं बुलवाया, क्या अधिकारी अपने आप आकर की जाँच करने आए। उसके बाद वो लोग बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ कौन पैदा हुआ है हमारे बताया बच्चों पाठवा नहीं, बच्चे ही तो गवाह है, वही बताएंगे संख्या। अरे नहीं अभी बात बनाने लगे बच्चे ही। बच्चों को लोग धमका रहे, डरा रहे, मार रहे कि यार बच्चों को फेल कर देंगे। आज 9:45 के करीब 9:30 के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर हमारे विद्यालय पर जांच की गई। कमरों में जाकर वह जांच कर रहे थे कि इस लड़के की क्या परेशानी है, किससे कितनी फीस ली जा रही है। बच्चों ने कक्षा 6-7-8 के बच्चों ने जब बताया कि फीस हमारी 150-170 रुपये ली जा रही है, जबकि फीस उनकी नहीं ले जाने की, उनकी शिक्षा निःशुल्क है। मैं प्रिंसिपल के तौर पे किसी को फीस लेने के लिए नहीं कहा हूँ, लेकिन लोग अपने मन से फीस लेते हैं। बच्चे जब पूछने जब DIOS ये बात बताए कि हमसे इतनी फीस ली जाती है, तो DIOS ने उनकी सुन करके और बच्चों से पूछे और बच्चों से फीस के बारे में जानकारी लेकर के DIOS वहाँ से चले गए। जब DIOS महोदय चले गए तो उनके जाने के बाद
कुछ शिक्षक जिसमें से जितेंद्र सिंह प्रमुख हैं वो आ करके मेरे कमरे के सामने मेरा जो पर्दा था उसको हटवा लिए। उसके बाद पूछे कि आपने डियाज को बुलवाया था? हमने कहा डियाज को मैं क्यों बुलवाऊंगा, डियाज अधिकारी हैं, जांच करने आए रहे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कि डियाज को आपने बुलवाया था। और उसके बाद यह कहते हुए मेरे ऑफिस सामने वो धरने पर बैठ गए। जब धरने पर बैठ गए तो छात्र उत्सुकता बस हमसे पूछने लगे सर बात क्या है। मैंने छात्रों से बताया कि जब डियाज साहब जाँच करके चले गए हैं तो उसी को ये लोग कह रहे हैं कि आपने डियाज को क्यों बुलवाया और फीस उसका लफड़ा वही कर रहे हैं कि फीस जो है आपने क्यों बताया। तो लड़के इस पर इन लोगों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि हमारी फीस वापस करें। जब इन लोगों से फीस वापस मांगने लगे तो उसके बाद ये लोग फ़ोन करके विद्यालय के प्रबंधक बबलू शाही को फ़ोन करके बुलवाए। और बबलू शाही आए हैं, जैसे ही आए हैं वो बिना कुछ पूछे बच्चों के बीच में जा करके मैं खड़ा था, मेरा हाथ पकड़े हैं और गाली देते हुए मुझको थप्पड़ से मारना शुरू किए। उनके साथ एक उनका एक साथी था गौतम यादव, वो डंडे से मार रहा था। और बच्चे छात्र छात्राएं जब हमको बचाने की कोशिश की तो गौतम यादव पिस्टल निकाल लिया, पिस्टल निकाल के बच्चों के ऊपर तान दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चियों को चोट लगी, लेकिन तब भी बच्चियां वहां से हटी नहीं, मुझको सबों ने बचाया। और उसके बाद वो वहां से चले गए प्रबंधक महोदय मारपीट करके, मैं थाने पर बस खुल यही मामले। मेरा नाम काशीनाथ त्रिपाठी है, मैं यहाँ प्रधानाचार्य हूँ महित नारायण शाही जनता इंटर कॉलेज महावीर छपरा। 9:30 बजे के मैं जो इंटर कॉलेज हमारा महावीर छपरा का है उसका निरीक्षण किया मैं, क्योंकि 10 बजे मेरे तहसील में पहुँचना था, रास्ते में कॉलेज था। कॉलेज में जाके मैं हर बच्चे से मिला, वहाँ की पढ़ाई के बारे में जाना, वहाँ का दैनिक पंचांग पूरा है कि नहीं हुआ, टीचर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, फीस कितनी ले रहे हैं कितनी नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में मैंने पूरी जांच की। जांच करने के बाद में मैं चला गया तहसील दिवस में। उसके बाद में मेरा फ़ोन आता है कि यहाँ पर बच्चे प्रिंसिपल साहब वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो यहाँ से जानकारी मिली कि वहाँ पर प्रिंसिपल के खिलाफ जो टीचर लोग बाग थे वो धरने बैठे थे, उनके खिलाफ उधम मचा रहे थे। फिर लोगों ने बताया कि प्रिंसिपल साहब के साथ मारपीट हुई है, तो मैं तत्काल वहाँ पर सीटू साहब को बता के मैं तत्काल यहाँ पर आ गया। अगर वास्तव में मारपीट हुई है तो निश्चित फायदे होने चाहिए, ऐसे गुंडों को छूने नहीं चाहिए। और जहाँ तक फीस ज़्यादा लेने की बात है, क्या पढ़ाई के माहौल ख़राब है, उसके मैं स्वयं जांच कर रहा हूँ। और उसके बाद में जो भी दोषी होगा मैं उसके खिलाफ छोड़ूंगा नहीं, उसके खिलाफ मैं अगर दोषी पाया जाता है तो मैं हया तक में भी दर्ज कराऊँगा।